हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। तो मेरा किचन में, प्रियंका सिंह के किचन में आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं अंडा कीमा। होने के बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के और अंडा उबाल लेंगे। 200 ग्राम बोनलेस चिकन है, चाहिए तो यहाँ मतलब मार्केट से ही कीमा बना के ही ले आइए। नहीं कीमा बनाए हैं तो जो चिकन आया है उसी में से बोनलेस चिकन निकाल लीजिए और इसको हम मिक्सी में दरदरा मोटा सा पीस लेंगे। मतलब ज़्यादा दरदरा नहीं, लेकिन थोड़ा दरदरा सा ही पेस्ट जैसा बना लेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे की तैयारी करने। तो आगे और बताएंगे बनाते हुए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको हम ढक के उबलने देते हैं। तो यहाँ पर हम अंडा उबाल लिए हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए प्लेट में। तो इसको अब हम ठंडा होने देते हैं, तो गरम गरम में छिलका हटाने में मुश्किल होता है कीमा बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले अदरक लहसुन और हरा मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें हम तो छोटा सा हम अदरक के टुकड़ा ले लिए हैं, एक फुट लहसुन ले लिए हैं और मिर्ची अपना हिसाब से डालिए। तो 200 ग्राम चिकन का बोनलेस चिकन का पीस है, तो इसको हम इसी के हिसाब से हम बना रहे हैं। तो एक फुट लहसुन, दो हरा मिर्ची, आप अपना हिसाब से हरा मिर्ची डालिए, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची भी डालना है, तीखी वाला भी मिर्ची डालना है, स्पाइसी वाला भी मिर्ची डालना है इसमें। बहुत स्पाइसी है मिर्ची, डक रहा है हरा मिर्ची। लहसुन अदरक और मिर्ची का तो हम चिकन के चलते हैं मोटा मोटा इसको पीस लेंगे। पेस्ट बना लिए हैं इस तरीके से, और इसको भी हम निकाल लेते हैं कटोरी में। तो मसाला बनाने के लिए हम चढ़ा लिए हैं पेन। पेन गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे एकदम थोड़ा सा तेल, ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एकदम बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज भी हम अच्छे तरीके से लाल होने देंगे, गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अदरक और हरा मिर्ची का पेस्ट बनाए हैं और बेसन के घोल बनाएंगे, उसमें डालेंगे। अंडा की कीमा बनाने के लिए बेसन के घोल की ज़रूरत पड़ता है, तो हम इसलिए ज़्यादा बना लिए हैं। तो आधा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे कीमा में, मसाला में, और आधा पेस्ट डालेंगे बेसन के घोल में। तो यहाँ पर ऑनियन अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है, तो इसमें हम पेस्ट बनाए थे हरा मिर्ची और लहसुन और अदरक का, उसको भी डाल के थोड़ा देर इसको भून लेंगे। और इसके बाद हम सारे मसाले को डाल देंगे। यहाँ पर है एकदम एक छोटा चम्मच, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, ये कलर वाला मिर्ची है, ये नहीं भी रहेगा तभी चलेगा, लेकिन है मेरे पास, तो डाल दिए। ये कूटा हुआ लाल मिर्ची पाउडर है, पाउडर नहीं कूटा हुआ, क्या बोलते हैं इसको, चिली फ्लेक्स है। और एक छोटा चम्मच है, मिर्ची अपना हिसाब से रखिए। और ये एक छोटा चम्मच है काली मिर्च का पाउडर, बड़ा चम्मच से एक चम्मच है धनिया पाउडर, छोटा चम्मच से एक चम्मच है गरम मसाला। तो ये सारे मसालों को हम एक ही साथ डाल देंगे। आपको इसका राइस में नहीं डालना है, खाने में तो लाजवाब है ही। तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक, तो इसमें अब डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से नमक। तो हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कीमा, ठीक है, कीमा डालेंगे। मटन से भी बना सकते हैं, लेकिन मटन बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए हम चिकन से बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा, 1 किलो 1,000। यहाँ पर 1,000 रुपये के जी है चिकन। चिकन मटन, चिकन नहीं मटन। तो अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे चिकन के, 20 से 15 मिनट तक चलाते हुए ढक ढक के इसको पकाएंगे। जब तक चिकन पक रहा है तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो आगे की तैयारी गैस के कर दी है स्लो, और इसको बीच बीच में चलाते हुए 15 से 20 मिनट पका लेंगे। और आगे की तैयारी करने के लिए अब इसको हमको बीच बीच में चलाते रहना है, और गुठली गुठली बन रहा है ना, इसको तोड़ते रहना है, इसको गुठलियाँ नहीं बनना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से करते रहें।
चलाते हुए इसको अच्छा से पकाना है। पानी छोड़ेगा उसी में पक जाएगा। तो इसके पानी छोड़ दिया है, तो इसको अब हम फिर से ढक के छोड़ देते हैं। पिसने के बाद इसमें गुठलिया बनने लगता है, तो गुठलिया नहीं बनना चाहिए। इसको गुठली को हम तोड़ देंगे छोलिया करछुल से इस तरीके से। तो इसको ढक देते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं एक कटोरी। कटोरी से नाप के आप 100 ग्राम बेसन ले लीजिए। तो यहाँ पर कटोरी से नाप के एक कटोरी हम बेसन ले लिए हैं। इसमें डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से नमक। थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी पाउडर। देखिए कितना छोटा बकेट है। तो आज हम एक बाल्टी पानी भी ले लिए हैं। एक बाल्टी है लेकिन छोटा है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर चुटकी भर। आधा चम्मच जमाइन, क्या बोलते हैं इसको, अजवाइन। अजवाइन तो इसको मच के डालना है मसाले के, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद हम इसमें मिर्ची डाल सकते हैं लेकिन नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा और तो बच्चे लोग खाने नहीं सकेंगे। तो इसमें पेस्ट बनाए थे अदरक और लहसुन और हरा मिर्ची का, उसको भी हम डाल देते हैं। और धनिया पत्ता, और इतना सा धनिया पत्ता हम डाल देंगे इसमें कीमा में। तो अब इसमें हम बाल्टी से पानी डालते हैं। बाल्टी से एक बाल्टी नहीं डालिए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करिए। तो इसमें हम, ये मेरा बकेट कितना सुंदर है, अच्छा कैसा लग रहा है मेरा बकेट, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अरे कितना का वो भी दिख रहा है, घुमा के दिखाइए। नहीं रेट नहीं बताएंगे। तो हमको छोटा छोटा बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमको क्यूट सा छोटा सा बर्तन मिलता है, तो हम उठा ही लेते हैं। तो यहाँ पर छोटा चम्मच से हम आधा चम्मच डाल देंगे मीठा सोडा, इससे कीमा एकदम खिले खिले देखने में खूबसूरत बनेगा। तो इसको भी हम डाल के अच्छा से मिक्स कर लेंगे। और एकदम जैसे पकौड़ा के लिए घोल तैयार करते हैं ना, लिक्विड बनाते हैं, उसी तरीके से इसको हम बना लेंगे घोल के। तो थोड़ा हाथ हमको लगाना ही पड़ेगा, हाथ से ही इसमें टेस्ट भी आएगा और अच्छा बनेगा। तो हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन बनाने वक्त तो हाथ ना लगाएंगे तो बनेगा भी नहीं। और बीच बीच में इसको भी हमको चलाना है। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गया है। तो इसको हम इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं। और ये इतना टेस्टी बनता है ना कीमा, ये कीमा एक में भर के बच जाए तो इसको आप पराठा भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप लोग पिज़्ज़ा प्लेट सब में चिकन देख सकते हो, अलग दूसरा बना रहे हैं। दूसरा रेसिपी बनाएंगे। तो बहुत सारा रेसिपी मेरा चिकन का, मतलब हर चीज़ का, नॉन वेज वेज बहुत सारा डाला हुआ है। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाइए चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मेरा रेसिपी नहीं पसंद आता है तो कमेंट करिए, खाली देखने से क्या होगा, देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग। तो हम गैस के कर देते हैं और ये मसाला बन के रेडी हो गया है। और इसको हम करते हैं साइड में। तो अंडा का हम छिलका नहीं उतारे हैं, तो अंडा का छिलका उतार लेंगे। तो अभी हम अंडा के छिलका हटा रहे हैं कीमा बनाने के लिए। तो आज मेरा अंडा एक भी नहीं फूटा उबालने में, तो न तो फूट जाता है, ज़्यादा करके फूट जाता है। तो अब सारे अंडा के हम छिलका हटा लिए हैं। अब इसमें आगे दिखाती हूँ। तो खड़ा होकर बनाते बनाते पैर थक गया, तो बैठ के हम छिलका हटाने लग गए।
तो बहुत ही आसानी से छिलका भी हट गया, और मतलब डेली हट जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा दिन के अंडा रहता है तो कभी कभी फूट जाता है, लेकिन आज एक भी नहीं, 10 अंडा वाले एक भी नहीं फूटा। तो इसको हम इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे, और इसका अंदर का जो पीला वाला होता है, येल्लो वाला, उसको हम हटा लेंगे। हटा लेंगे तो इसको क्या करेंगे? इसी में मिक्स करेंगे उसके साथ, लेकिन इसको हम अंदर का हटा लेंगे, तभी तो भराएगा। ये अंदर में रहेगा तभी से भराएगा, मसाला जो बनाए हैं इसमें भर के फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से इसको हम खाली कर लेंगे साइड में इसे, न तो इसको सबसे आसान होगा कि इस तरीके से कट कर लीजिए, और इस तरीके से इसको आराम से चाकू या चम्मच का हेल्प से निकाल लीजिए। बचे हुए हैं अंडे, उसको भी हम इसी तरीके से कट करेंगे, और बीच का सब जो भी बीच में येल्लो है सब निकाल लेंगे, एक साइड कर लेंगे। तो येल्लो वाला हम निकाले हैं अंडा के, उसको भी हम इसी में डाल के मिक्स कर देंगे। एकदम पूरा नॉनवेज है सब चीज, आज मजा आने वाला है खाने में। तो ये सबको साथ में हम मिक्स कर देंगे, और इसका जो बचेगा उसको पहले भी बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं, तो इसका पराठा बहुत ही लाजवाब बनेगा, बहुत ही टेस्टी पराठा। जैसे पोटैटो का पराठा, चाहे कोई चीज़ का पराठा बनता है, उसी तरीके से इसका बहुत ही टेस्टी पराठा बन के तैयार होगा। तो इसको अब हम इस तरीके से इसमें भर देंगे, ठूस ठूस के, जितना इसमें आएगा उतना ही भरेंगे ठूस ठूस। अच्छा से दिखा रहा है समझ में आने जैसा। और ये अभी दोनों को फिर से जोड़ देंगे, और यहाँ पर हम ले लिए दत खोदनी टूथपिक। हाँ, और इसको इससे हम जोड़ देंगे, खाने वक्त निकाल के खाना नहीं। हाँ, दांत में घुस जाए। तो इस तरीके से हम जोड़ देंगे दोनों को, और फिर से हम दूसरा ले लेंगे, इसमें भी हम ठूस ठूस के भर देंगे। एक बार आप लोग मेरे तरीके से जरूर कहीं क्या बोलते ट्राई करके, मेरे तरीके से जरूर एक बार ट्राई करके देखिए, देखिए कि नया रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत जन को पता नहीं होगा, लेकिन ये सब हम कभी कभी क्या संडे ही बनाते रहते हैं, संडे ही हम लोग खाली खाना खाते हैं, बाकी दिन तो दाल चावल और रोटी सब खाना ही था सब भूखा चरी में। हाँ, तो हम लोग संडे बस अच्छे से खाना खाते हैं, डेली नहीं खाते हैं खाना, खाते हैं लेकिन मतलब बहुत हल्का सिंपल सा खाना खाते हैं। संडे को इतना खा लेते हैं कि बाकी दिन का मंडे तक चल जाता है। तो और इसी तरीके से हम सारे अंडा का कीमा बना के तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं अंडा कीमा को तलने। तो हम भूल गए थे चावल के आटा या कॉर्नफ्लावर या मैदा, इसमें थोड़ा सा मिक्स करना होता है ताकि अच्छा कड़क अंडा कीमा बन के तैयार हो। तो मेरे पास थोड़ा सा है चावल के आटा, तो इसमें से हम एक चम्मच चावल के आटा इसमें डाल देते हैं। चावल के आटा आपके पास नहीं हो तो आप मैदा या कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए। तो इसको डालने के बाद हम अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, देखते हैं, चेक करते हैं गरम हुआ कि नहीं। तो तेल गरम हो गया है, तब एक एक करके इसमें डुबाएंगे। इस तरीके से एक बार
बार में जितना आएगा उतना डाल देंगे। लग रहा है सब आ जाएगा। एक बार में डाल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उलटने में नहीं बनेगा, तो इसको उलट उलट के पकाना भी है। तो एक साइड अच्छे से पक गया है, अब हम इसको दूसरे साइड पलट लेंगे। और ध्यान से ही फटता भी है अंदर का, वो देखिए येलो येलो वाला नहीं होता है तो साउंड करता है, फट फट करता है, तो तेल भी यहाँ पर पड़ सकता है। थोड़ा तो बड़ा सा छोटे कच्छे से इसको उलट पलट के और थोड़ा दूर रख के, और देख सकते हैं कितना सुंदर खिला खिला ये कीमा बन के तैयार हो गया है। और एक साइड इसको थोड़ा सा और पकाना है, पक गया है अच्छे से। तो यहाँ पर अंडा का कीमा बन के तैयार हो गया है, तब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। सोच रहा है तब हम इसको निकालेंगे। देख सकते हैं कितना सुंदर कीमा बन के रेडी हो गया है, और बचे हुए हैं उसको भी हम इसी तरीके से तल लेंगे। और इसको शाम के टाइम में, थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। शाम के टाइम में नाश्ते में बनाइए, खाइए, और संडे के फुल फैमिली इंजॉय कीजिए। एक के कीमा के चाय और एक के कीमा के साथ इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर पूरा हम एक कीमा जितना था बनाना उतना सब बना लिए हैं, सबको तल लिए हैं, और बस अब चलते हैं खाने इसको। बहुत ही टेस्टी देखने में लग रहा है, खाने में तो लगता ही है लेकिन देखने में भी लग रहा है बहुत ही टेस्टी। तो सानो तुम भी खाना। तो एक हम कट करके दिखाते हैं, और इसका लकड़ी जो है किधर गया, क्या था इसको, क्या बोलते, हाँ देखिए इस तरीके से। तो एक कीमा का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, और अगला रेसिपी क्या बनाऊँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।